अगर आप में से कोई दिल्ली से है ना, तो आपने जरूर करोल बाग वाली आंटी के पास्ता के चर्चे तो सुने ही होंगे। तो यार आज हम वही पास्ता बनाएंगे घर पर। तो क्या हालचाल है आपके? आज हम पास्ता बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम मोमो चटनी बना लेंगे। हाँ, इस पास्ता में मोमो चटनी भी डलती है, तो आप सोच सकते हो ये पास्ता कितना अलग होगा। उसके लिए हम एक मिक्सी के जार में 5-7 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। उसी के साथ साथ हम इसमें 3-4 गार्लिक के क्लव्स भी डाल देंगे, 1/4 टमाटर, नमक और 2-3 टेबलस्पून पानी डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखो, ये हो गई हमारी मोमो चटनी एकदम रेडी। अब हम मेरा फेवरेट पार्ट स्टर फ्राइंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लिया है और मैंने इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल के अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डाइस्ड कैप्सिकम डाल देंगे और इसे सिर्फ 1 मिनट तक स्टर फ्राई करने के बाद हम इसमें बॉइल्ड पास्ता डाल देंगे। अगर आपको पास्ता बॉइल करना नहीं आता तो टॉप राइट में वीडियो का टाइटल आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सीख लेना। उसके बाद हम इसमें कम से कम 2 चम्मच भरकर मोमो चटनी डाल देंगे। उसी के साथ साथ हम इसमें 1/2 पैकेट मैगी का मैजिक मसाला डाल देंगे। फिर हम इसमें 1/4 टीस्पून ओरिगैनो या फिर इटालियन हर्ब मिक्स और नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक कुक करने के बाद आपके पास्ता हो जाएंगे एकदम रेडी। तो यार ये पास्ता एक बार ज़रूर बनाना, ये बहुत इजी है। अगर आपके पास्ता उबले हुए होंगे ना, तो ये सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और वो घंटी भी बजा देना। मुझे आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाय बाय।